Hello student, welcome you all in our Science Academy classes. So today we will discuss on about cell cycle. So what is cell cycle? So cell cycle tamar ode cell division chapter lekhai thiyo nal nai cell cycle ra ode chapter amara roiche. जो चैप्टर रे हमें आज कौन पढ़ा ना सेल रो को भली भाव में साइकिलिंग होची सेल को भली भाव में डिविजन होची तो आम जानते सेल रो डिविजन हुए गोटे पढ़ाई थोड़ा आम माइटोसिस माइटोसिस गोटे पढ़ाई थी आ गोटे पढ़ाई थी मेओसिस बोली पढ़ाई थी तो माइटोसिस व मेओसिस सम विभाजन आ अर्ध विभाजन कथा आमर टेन्थ क्लास ठार आम कि नलेज रही जाए तो माइटोसिस मेओसिस कौन सेलटा माइटोसिस मेओसिस सम विभाजन अर्ध विभाजन हवा पूर्व से कौ भाई भाव में बॉडी में चेंजेस आने तो से सब विषय पढ़ा को आम सेल साइकिल बोली कहवा तो सेल्र साइकिलटा कौन फास्ट देखा माइटोसिस मेओसिस को पढ़ा पूर्व आमर गोटे सर्ट नोट रर्ट नोटा कौन ना व्हाट इज सेल साइकिल तो स्टार्ट करवा सेल साइकिल कौन एक्चुअली ये साइकिल टी साइकिल मीन्स एमती किसी गोटे जिनस जोटा कौन हो गए साइकिल मैनर में चलु थ क्रमान्वय चलवा गोटे फेज गला मन कर मु वन टू थ्री तीन टा फेज करदेली तो ये वन फेज गला सेकेंड फेज आसो थर्ड फेज आसो थर्ड पर पुणी वन फेज कंटिन्यू हे तो यही किसी गोटे इवेंट को आम गोटे साइकिल बोली कहीपर तो यही इवेंटा जो सेल भितर घटला यहाँ मन कर गोटे सेल सेल भितर ये इवेंट घटू सो नो नाज सेल साइकिल हेलो तो ये देखा तो ये गोटे सिक्वेन्स ऑफ इवेंट इवेंट किसी जिनस घटा कौन से गोटे जिनस घटू थ गोटे सिक्वेन्सीआल मैनर में जमीन कहली वन वन पर टू टू पर थ्री पुणी रिटर्न वन तो सिक्वेन्स गोटे ऑर्डरली गोटे मैनरली गोटे कंट्रोल होती सेल भितर तो ये जिनसटा को आम कौन कह सेल साइकिल बोली कहे जो थे कौ इवेंट घटे ये जो इवेंट बोली लिखाला से इवेंटा कौन ना से सेल रो ग्रोथ हो सेल रो डुप्लिकेट हो बा सेल रो डिवाइजन डिवाइडेड हो बा डिविजन हो सेल रो ग्रोथ मीन्स केतबेले गोटे सेल माइटोसिस बा मेओसिस प्रक्रिया को जीव ना जितेबाड़ गोटे सेल मैच्योर्ड ही आसी सेल डिविजन मीन्स सेल रो गोटे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो मैंने रही था आम साधारण तो लोअर एनिमल्स मैंने से माने सेल रिप्रोडक्शन क्या द्वारा करता ना सेल डिविजन प्रक्रिया द्वारा रिप्रोडक्शन करता जस्ट लाइक एग्जांपल गोटे दूँ आमईवा आमईवा कौन क्या यूनिसेलुलर हैविंग वन सेल तो सी कौन क्या सेल को ये बॉडी को ये डिविजन करने को चले तो सी कौन क्या बाइनरी फ्यूजन द्वारा दुई भाग में विभक्त हो जाए तो ये जो सेल को डिविजन करतेबाला गोटे एनिमल सेल को डिविजन कै ना जितेबाला सी गोटे मैच्योर हो आए सेल डिविजन करा है सेतबले जितेबले गोटे सेल निजो को मैच्योर्ड बोली धरे से तार सक्षमता आसे जे से ता पर स्टेप को जीव बोली ठीक सेंती तो एमाने सेल रो फास्ट सेल साइकिल घटिबा पूर्वरु ता परे परे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आसीबा पूर्वरु से निजो को आगो प्रिपेयर करे जमती कि सेल रो आगो ग्रोथ होबा सेल भल भाव आगो ग्रोथ हम ग्रोथ है कौन हम ना डुप्लिकेट हम सेल ग्रोथ हेल्ले कौन हम ना निज भाया गोटे अबिकल नकल को आगे प्रस्तुत कर अबिकल नकल मैंने कौन ये गोटे सेल थिला ये गोटे आमईवा थिला आमईवा दुईटा जो डॉटर सेल को प्रोड्यूस कला से डॉटर सेल जस्ट लाइक इट्स मदर सेल तो ये माँ जो भाई देखा जाए डॉटर सेल गुड़ाक से ही देखा होने कौन है ए सेल गोटे डुप्लिकेट को प्रोड्यूस कला डुप्लिकेट सेल कौन हो ना जमती गोटे मदर सेल देखा होमती मैंने मीनस कम रोटे न्यूक्लियस थी किसी साइटोप्लाज्म थे सेल ऑर्गेनेल्स को बियर कर तार नेचर जो भाई आई आर नेचर से ही आई इंटरनल स्ट्रक्चर से तो सेल डुप्लिकेट है देन आसला कौन ना सेल जो डुप्लिकेट हुए सेल डिवाइडेड हुए डुप्लिकेट हबार डिवाइडेड हबार को भाया फिगर रख एटा गोटे सेल रही सेल जो निजर एमती न्यूक्लियस रही गोटे एलंगेटेड स्ट्रक्चर को बियर करदेव ऑटोमेटिकली चेंजेस आसो कारण सेल भितर न्यूक्लियसटा गोटे सर्कुलर होकर रही है गोटे स्पेरिकाल रही है बाकी जो सेल डिविजन होगा लगे से सेलटा ऑटोमेटिकली एलंगेटेड हुए आज वेल एज तर न्यूक्लियसटा भी एलंगेटेड हम तो सेल आउ न्यूक्लियस एलंगेटेड हमें तापर आस्ते आस्ते से भितर गोटे फाट देखा जाए तार साइटोप्लाज्म कौन हम ना चापी हिंका रही गोटे कन्स्ट्रिक्शन बियर कर
देन से कन्स्ट्रिक्शन टा ऑटोमेटिकली बहुत होबाक लागिवो तापर न्यूक्लियस इठी गोटे इठी गोटे हेगला तो यही जाके हेला कौन सेल डुप्लिकेट कला जेतेबेले एयर नेक्स्ट फेज आसीजिवो सेतेबेले इठी गोटे सेल हेइ जेतो तो इठी गोटे न्यूक्लियस इठी गोटे निकले देन सेल डिवाइडेड तो फास्ट हेला कौन ना सेल ग्रोथ करिवो डुप्लिकेट हबो देन डिविजन हबो तो प्रोसेस इज नोन एज सेल साइकिल देन देखिवा एटा आउ कौन हो पारे ना द पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेल साइकिल सीसी मीन्स सेल साइकिल कोई जी इज कॉल्ड जेनरेशन टाइम तो ये जो गोटे पीरियड लगुच मन कर मुझे फिगर करके देखी एटा वन टू थ्री वन इवेंट टू इवेंट थ्री इवेंट पर पुनर्वर वन होगा जाऊँगी तो गोटे साइकिल जो कंप्लीट होगा जाऊँगी से पीरियडटा को आम कौन कह जेनरेशन टाइम जेनरेशन टाइम मीनस कौन है ना जदि गोटे इवेंट बा गोटे साइकिल गोटे पीरियड कंप्लीट हाँप रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेल साइकिल गोटे पीरियड बा गोटे समय जो पर्टिकुलर समय मन कर वन रु थ्री फेज जाके जीवापे ताको फाइव मिनिट्स लगला तो फाइव मिनिट्स टाक आम कौन कह जेनेसन टाइम बोली कह नेक्ट फाइव मिनिटाक आम सेकेंड जेनेसन टाइम बोली कहीपर तो यही भाव देन देखा ये जो सेल साइकिलटा एक्चुअली कौन है ना चारि भागरे डिविजन ही थे सेल साइकिलटा कौन है ना चारि भागरे डिविजन ही गोटा हूँ जी वन फेज एस फेज जी टू फेज एंड एम फेज कौन कौन जी वन जी टू बाकी मझे रही एस जी टू पर एम फेज तो ये देखा ये जो तीन टा रे किए जी वन एस आउ जी टू आपको आम कौन कहीपर ना इंटरफेज बोली कहुए एम ना ही हूँ इंटरफेज देन देखा एम फेज रहा कौन रहा ना ताको आम रेस्टिंग फेज बोली कहू तार ना ही रेस्टिंग फेज जहाँ को आम एम फेज बोली कहीपर एटा अदरवैज नोन आज ए रेस्टिंग फेज जहाँ को आम जी वन एस एंड जी टू टुगेदरली कन्स्टिट्यूट इंटरफेज मनेकर मुझे कहि इटी वन एंड टू टुगेदर है कौन ये दीज एकाठी हो गले गोटे फेज हो मनेकर थ्रीटा गोटे फेज सेमती जी वन एस एंड जी टू इज नोन आज ए इंटरफेज आउ एम फेज किए रेस्टिंग फेज एम निजर निजर गोटे गोटे फेज जी वन निजे गोटे सेपरेट फेज एस निजे गोटे फेज सेपरेट फेज जी टू निजे गोटे फेज एम बी सेपरेटली फेज बाकी आम जदि यन को एकाठी करदे फास्ट तीन टा को एकाठी करदे ना हो इंटरफेज रेस्ट इज नोन आज रेस्टिंग फेज देन देखा ह्वाट इज जी वन फेज एपर्तंत आम जो कहले सेल सैकलटा चारि भागे विभक्त है जी वन एस जी टू एम तो ये सब कौन कौन है तो फास्ट देखा कौन ना जी वन फेज कौन तो ये जो सैकेलटा आरंभ हम सैकेल प्रथम फेज रे लिखाई कौन जी वन लिखाई तो जी वन मीन आम फास्ट फेज टाक कहे जी वन फेज सो जी वन फेज इज अदरवैज नोन आज ए ग्रोथ फेज तो जी वन फेज को हमें अलग भाव में कौन कहीपर ना ग्रोथ फेज बोली कहीपर जी वन रो गोटे कौन तार सब स्ट्रक् मानने कौन तार निजर क्यारेक्टर कौन जी वन स्टेज रे कौन हुए मन कर यहाँ गोटे सेल साइकिल हेटा गोटे सेल सेल भितर मुझ मन कर कहली एठ रहा कौन जी वन फेज तो जी वन फेज भितर कौन कौन हुए मुझ फास्ट रू कहली यहाँ हूँ फास्ट ग्रोथ फेज फास्ट ग्रोथ फेज आम जो पढ़ी सैकेल हवा पूर्व फास्ट कौन हुए ना सेल रो ग्रोथ हुए तो सेल रो ग्रोथ हम तो यहाँ को कहला ग्रोइंग फेज जो समय रे सेल ग्रोथ करे सेल केतेबले केमिति ग्रोथ करिवो ना जेतेबले सेल रो कोन हबो ना अलगा पाख सेल थरु कोन करिवो ना खाद्य सब संग्रह करिवो आ निजरो मैच्योर हबा पई सेल को इंक्रीज करिवो सेल रो साइज गोटे इंक्रीज हबो तो सेल रो साइज इंक्रीज हबो तो सेटा को आमे कहले ग्रोथ फेज एटा गोटे वेरिएबल फेज वेरिएबल आतरे भिन्न भिन्न घटना सब घटे कौन घटना घटे मन कर गोटे छोट छुआ अच्छे गोटे छुआ जो मैच्योर हाँ जाऊँचे बॉडी रे केते डेवलपमेंट आसुचे मन कर आम गोटे जाचे जो छोट छुआ जन्म होगा बेलू तार 300 बोन रही थी बॉडी रे बाकी जो सी बड़ हो आसुचे से 300 बोन टा कौन हो 206 खंड में कनवर्टेड हो तो यहाँ गोटे के बड़ चेंजेस बॉडी भितर आसुचे लाइक वाइज जो स्टेज हवा पूर्व एम बॉडी भितर सेल रॉडी भितर केत गुटे फेजेस वेरिएबल चेंजेस आसे जोटा को आम लिखले ये वेरिएबल आसे आ लॉन्गेस्ट फेज आसे
बहुत गुड़े फेजेस आ भीतर देखा जाए तार कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस जमीक गोटाए छुआ जो मानते चलवाक लगे से चलिया भितर के कॉम्प्लिकेटेड स्टेज था जन्म होती हाथ गोड़ खाली हल्लाऊपर कड़ लेटे तो ये केतटा के फेज देलापर जाए कौन कर चलने सक्षम हो पारे लाइक वाइज एम स्टेज को आसिया पूर्व गोटे जी वन हवा पूर्व से बॉडी रे कौन हुए ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल चेंजेस आसे आ गोटे लॉन्गेस्ट फेज से गति करता नेक्स्ट पॉइंट आसला कौन ना आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज मुका कथा कहूँ आम कौन सेल कथा सेल भितर ये सब जिनस घटू तो सेल भितर घटू मैंने सेल भितर किए रही थी सेल रेन किए रहा न्यूक्लियस रहा तो न्यूक्लियस भितर किए रही थे ना आम क्रोमोसोम मैंने प्रेजेंट रही थे क्रोमोसोम भितर किए रहा ना आम डीएनए हो बा आरएनए हो ये डीएनए आरएनए कौन करती ना एमकर पाखे भी चेंजेस आसो कारण आम गोटे सेल रेजेस आसूसी मैंने सेल भितर थी अर्गानेल्स भी चेंजेस आसो अर्गानेल मैंने तार कंपोजिशन भी चेंजेस आसो तो ये देखा आरएनए कौन करे ना किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करे तो प्रोटीन सिंथेसाइज है मैंने कौन है सेल्र ग्रोथ फेज यहाँ चली तो सेल्र ग्रोथ हाँ लगे आरएनए भी सिंथेसाइज करने को लगे आ प्रोटीन भी सिंथेसाइज करने को लगे आरएनए कहीं सिंथेसाइज कर ना नेक्स्ट फेज जो से डिविजन कर तो माइटोसिस मेयोसिस प्रक्रिया आम जाने मैंने कौन करती ना पेरेंटल क्यारे को बियर करके आनी पेरेंटल क्यारेक्टर को जो बियर कर तो पाखे आरएनए डीएनए युवर कैपासीटी भी रही दरकार ना सिंथेसाइज हो तो आरएनए अंडर प्रोटीन आर सिंथेसाइज दिस फेज डिसाइड व्हेदर टू हाँ एटा गोटे इम्पोर्टेंट फेज पॉइंट रहला जे एई फेज रो गोटे पिकुलर फीचर कौन रहला ना एक्चुअली एई फेज डिसाइडेड करे व्हेदर टू स्टार्ट ए न्यू सेल और टू विथड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल ये कौन करे ना एई फेजटा डिसाइड करे जे सेल साइकिलटा आगु को कंप्लीट हबो बा आमे एउटू विथड्रॉ कर दवा जेंति कि गोटे पिला कौन कर भल भाव निज को प्रिपेयर करनी एग्जाम आसीगला टाइम आसला से कौन करना जदि मुझ प्रिपेयर ठीक से न करी एथरक विथड्र कर मो एग्जाम को मुथरक परीक्षा देवी नेक्स्ट टाइम कौन हबी ना भल भाव पढ़ी आसबी आउ नेक्स्ट टाइम परीक्षा देवी भल मार्क रखे कौन से कारण से अनफर्चुनेटली पढ़ी पार आ गोटे पिला कौन कर ना भल भाव पढ़ी पूरा कंपिटेटिव होगी निजी फुल्ली प्रिपेयर कर रही एग्जाम आसला से परीक्षा दब तो एई फेज रे ही डिसाइडेड हुए व्हेदर द सेल डिविजन करिवो बा निजो को विथड्र कर नहींजो सेटा कोट डिसाइड हुए ना जी वन फेज रे कौन पे डिसाइड करे ना एटा होचे गोटे ग्रोथ फेज जदि सेल रो ठीक से ग्रोथ हेनी ठीक से मैच्युरिटी आसीनी बा तार आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज हेनाहांती तो एनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस जदि भी अछि ताले से कोन करिवो ना निजो को सेल साइकिल रे डिविजन पार्टिसिपेट करिवोनी कारण आग को आमर केतरा आहुरी तीनटा फेज रहला ना ए तीनटा फेज रे पार्टिसिपेट करवाक पड़ो ना ये सेल को कारण ये गोटे सेल भितर ये चार्टा जाक फेजेस घटव ना तो से कौन कर फेज रु डिसाइडेड करे व्हेदर स्टार्ट कर स्टॉप कर दिस पॉइंट इज नोन आज चेक पॉइंट जदि यही फेज रे आम यस को चेक कर जे ये डिसाइड यही फेज रे कर जे ये आउ गोटे फेज को जीव ना यही फेज रु विथड्र हो बा ए सेल रो किसी गोटे डिफेक्ट रही जाए ये आग को बढ़ी पार्वनि तो यहाँ कौन है कि यहाँ को कहगला यहाँ गोटे चेक पॉइंट बा यही जगार आम चेक करके कहीपर ये सेलटा ठीक अच्छे सेल डिविजन में पार्टिसिपेट कर ना ना हेला देन देखा एस फेज कौन फास्ट होता जी वन फेज देन आसला कौन ना एस फेज एस फेजा सब छोट फेज थे खूब कम समय भितर घटी जाए आते शीघ्र घटी जाए जे तो जी वन पर जी टू टा चली आसे भितर के एस फेजटा घटी जाए आम जापरना है तो एस फेज कौन ना डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस यही समय रे कौन हुए ना डीएनए रो सिंथेसिस हुए आउ रेप्लिकेशन हुए फास्ट फेज रे करी आरएनए सिंथेसाइज हुए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज हुए सेकेंड फेज रे कौन जे डीएनए सिंथेसिस हुए डीएनए सिंथेसिस हम एंड रेप्लिकेशन हम रेप्लिकेशन गोटे लंग क्वेश्चन बाकी आम सर्ट्रे जी कह तो रेप्लिकेट मान कौन ना निज भाया गोटे अबिकल नकल को सृष्टि करवा तो डीएनए कौन कै जदि यहाँ गोटे डीएनए है से कौन कर किसी बाट आसला निज सहित आउ गोटे डीएनए को ये
लगे के आसपो जे के कोन हेतिबो ना गोटे थिबो ओल्ड आउट थिबो न्यू तो ए प्रोसेस टा को डीएनए रेप्लिकेशन बोली कहबो ये भी निजे गोटे डीएनए भले एक्ट करिवो तो ए मान जति चली आसले तो ये गोटे निजरो गोटे हेरिडिटरी मटेरियल को बियर कर परिवो तो ये गले रेप्लिकेशन ता माने एई जगह रे कोन हुए ना डीएनए रो सिंथेसाइज हुए आ रेप्लिकेशन हुए ए फेज टा कोन नो ना से इनविजिबल फेज और स्टेज एक्चुअली कौ समय के समय पीरियड भितर एस फेजटा कम्प्लीट हो जाए आम आपको जापरूना तो यहाँ को आम कौन कहले ना इनविजिबल फेजेस बोली कहले देन देखा जी टू फेज देन देखा कौन ना जी टू फेज कौन आसो ना फास्ट ग्रोथ फेज से जाता जी वन फेज देन आसला जी टू हूँ सेकेंड ग्रोथ फेज कहीं ना आमर एस फेज टा के घटी जाए जानी यहाँ हूँ इनविजिबल फेज सो इट इज सेकेंड ग्रोथ फेज तो ए समय कौन हुए ना सेल ग्रोथ कंटिन्यू ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस होउची आरएनए सिंथेसिस चली डीएनए रो मध्ये रेप्लिकेशन चली कौटी फास्ट फेज कथा कहे तो ये सब जिन कौन एस फेज कथा कही तो ये सब जिन चली सो ग्रोथ कंटिन्यू तेणु ग्रोथटा भी कंटिन्यू होगी चलिए डीएनए सिंथेसिस स्टॉप तो आपर एई स्टेज रे कौन हुए ना आम जानते पूर्व स्टेज रे डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होता एई स्टेज रे डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हुए देन आसला सेल ऑर्गेनेल्स तो इथे कौन हुए केते गुडे सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो नहले नाही आमर क्लोरोप्लास्ट हो डिवाइड तो यही समय रे कौन हुए ना आंकर डिविजन आसी जाए कहार डिविजन माइटोकॉन्ड्रिया हो क्लोरोप्लास्ट हो माइटोकॉन्ड्रिया कथा जानी थी नोन एज पावर हाउस ऑफ पावर सेल देन आसला क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट प्लांट रे प्रोडक्ट तो आ क्लोरोप्लास्ट रे प्रेजेंट रे से माने कोन करंदी ना खाद्य प्रस्तुतक बा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रे हेल्प करे क्लोरोप्लास्ट ए दुइटर डिविजन है तो एटा कोन हला ना जी टू फेज कला देन आसला के लास्ट फेज एम फेज तो एम फेज कौन ना इट स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिविजन एंड विथ डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म एटा मन रखिबा कौन ना स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिविजन एंड एंड विथ साइटोप्लाज्मिक डिविजन ता माने कौन हला न्यूक्लियस रो डिविजन नु स्टार्ट हबो सेल न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो डिविजन हबो न्यूक्लियस रो डिविजन केमती हुए जेमती फेज कहितली तो एमाने फास्ट कौन करंती सेलटा एलोंगेटेड हुए सेल एलोंगेटेड हबो न्यूक्लियस रो एलोंगेटेड हबो देन आसीबो कौन हबो ना न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कंस्ट्रिक्टेड हबो एबली आसीबो देन जिते स्टेज को चली आसब ये न्यूक्लियस तो डिविजन होगा बाकी आम भितर जो साइटोप्लाज्म इटे जो साइटोप्लाज्म भितर न्यूक्लियस थिला एबे से कौन हम ना साइटोप्लाज्म इटे किछि रहि जइबो तामने ए डिविजन टा आरंभ होइतला कोठु ना न्यूक्लियस रो डिविजन आमे फास्ट जानिथिले ये न्यूक्लियस रो डिविजन करबा को जाउछि शेष वाला कोठी ना जतबेले साइटोप्लाज्म रो डिविजन हुए बुझेला तो इट स्टार्ट विथ ए न्यूक्लियर डिविजन एंड विथ ए साइटोप्लाज्म देन देखिबा एम फेज टा कोन हेतबो ना तीनोटी टाइप्स रे डिविजिबल हेतबो कोन कोन ना माइटोसिस मेयोसिस आ गोटे अछि अमाइटोसिस माइटोसिस रो ऑपोजिट होची आ माइटोसिस तो नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा जे माइटोसिस मेयोसिस आ माइटोसिस कोन हला आ पर वीडियो रे आमे देखिबा व्हाट इज माइटोसिस जदि भी कहार किसी प्रोब्लेम थी बुझीपार डाउट थी तो कमेंट रे पचारि पार नल नहीं कमेंट बॉक्स रे पचारि।